हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको मेरा राधे राधे प्रणाम। और अभी है शाम का समय, तो गुड इवनिंग। और ये मंडे शाम की क्लिप है, तो जिसमें परी जो है ना, वो धूप की जो लाइट आ रही है उसको पकड़ने का कोशिश कर रही है। तो ये हमारे दोनों बच्चे थोड़ा सा धूप वाले लाइट से खेल रहे हैं। हम भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे, जो धूप की परछाई मतलब लाइट हो या किसी चीज़ की परछाई हो तो उसको लगता था ऐसे पकड़ ले। तो ही अचानक से लाइट आ रही थी ना, तो ये दोनों देखो उसको पकड़ रही हैं। मैगी मुझे तो नहीं आता बनाने। उसमें नमक भी डालना पड़ेगा। और आप कैसे कैसे खाओगे? क्या बनाओ? सबको पसंद है मैगी, इसलिए नहीं लाना चाहिए ना घर में मैगी। तो ये अब परी के डिमांड पे बनने जा रहा है मैगी। मैगी नहीं, मतलब कि नूडल्स। वो क्या है ना, वो फ़ोन में देखती रहती है ना, तो उसी का नकल करेगी कि मम्मा मुझे मैगी खाना है, मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो सैंडविच बना दो। तो ये एक नॉर का वो नूडल्स रखा हुआ था, तो वही उसके पापा बोले लाइए मैं बनाता हूँ। पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ बनाऊँ तो शायद उतना टेस्टी ना बनाऊँ जितना वो बना लेंगे। तो इसीलिए वो खुद ही भिड़ गए हैं बनाने के लिए। तो फटाफट से उसमें डाले मिर्च, प्याज, टमाटो, जो भी मतलब शुरुआती जो भी तड़का लगता है किसी भी सब्ज़ी में, तो वो सब डाल उबाल के अच्छे से कर रहे हैं फ्राई। फिर उसमें जाएगा ये जो मसाला है सबसे इम्पोर्टेंट, ये बोले कि अब क्या खाना बनाएंगे तो इसी को खा लेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा ही बना रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बन गया था कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं फेंकना ना पड़ जाए। तो ये देखो उसमें ग्रेवी भी लग गई है। अब हिसाब से वो डाल रहे हैं पानी। अब उसमें जाएगा हमारा नूडल्स। मैं बार बार मैगी बोल देती हूँ ना, तो परी के पापा बोलते मैगी नहीं, अब नया वर्ड हो गया है नूडल्स। तो अच्छा, तो ये देखो हमारे नूडल्स बन के एकदम तैयार है। मतलब अभी थोड़ा सा और पानी इसमें सूखेगा। तो ये देखो पूरे भर कढ़ाई, एक कढ़ाई हो गया है। तो आप लोग भी आ जाओ, एकदम दावत है आप लोग का भी नूडल्स का। मेरे और परी की तरफ से नूडल्स की पार्टी है ना परी। तो ये देखो बन गई हमारी नूडल्स। बार बार कहती है खोलो, बार बार कहती है लगाओ। परी को लगा दो, परी दीदी को। तो ये अब हो गई है सुबह, गुड मॉर्निंग वाली एकदम सुबह। ये देखो एकदम कड़ाके की धूप निकली हुई है। आजकल धूप ऐसी निकल रही है ना, पूछो मत। धूप में तो आप बैठ ही नहीं सकते अब बिल्कुल भी। तो ये मैं सुबह सुबह बना रही हूँ नाश्ता। भिंडी रात में खाए थे नूडल्स, तो सुबह तो कुछ अच्छा खाना पड़ेगा ना, इसलिए बना रही हूँ मैं रोटी और भिंडी आलू का भुजिया। और ये साथ में मैं एक पपीता भी काट रही हूँ, ये संडे से रखी हुई थी तो ये भी पूरा पक गई थी, तो इसको भी मैं काट रही हूँ। पपीता तो पता ही है, मैं बीच बीच में हमेशा पपीता मंगाते रहती हूँ। तो ये अभी फटाफट से मैं अगर काट के रख दूँगी ना तभी परी के पापा खाएंगे, नहीं तो खुद से काट के कभी खाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह इसको काट दे रही हूँ कि कटे रहेंगे। तो सब ये परी देखो उठा रही है पपीता अपना। एक लेके भाग गई वो। नहा लिए कृष्ण? नहा ली? नो जी पूछ लो, नो जी पूछ लो। हो गया, दे दो। चलो परी अब आपको नहाना है, जल्दी। देख कितने गंदे लग रहे हो आप, देख कृष्ण ने नहा लिया। देख भाग गई नहा के। नहा लिए?
तो आज सुबह सुबह क्या हुआ ना कि किचन के स्लैब पे रखी हुई थी ग्लास में पानी, और क्रिशो पानी पीने के लिए वो ग्लास को ऐसे पकड़ रही थी तो अचानक उसी के ऊपर गिर गया पानी पूरा। इसके कपड़े भीग गए थे तो मैं सोची कि अब नहा देती हूँ इसको, तो इसीलिए क्रिशो को पहले ही नहला दी और फिर उसके बाद नहलाई परी को। तो परी को नहाने में बहुत नाटक है, बोलती मम्मा बाथरूम में ठंडी लगती है, हवा आती है, इतना बात बनाएगी कि उसको ना नहाया जाए, लेकिन फिर भी मैं उसको नहला दी ज़बरदस्ती। तो नहा ली है तो अभी खुश है नहाने के बाद। ये दोनों बंदर लोग नहा ली, क्रिशु भी नहा ली, अब मैं जाती हूँ, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ। तो दोनों को अच्छे से नहलाने के बाद मैं भी नहा ली, उसके बाद बारी थे कपड़े धोने के, तो मैंने सारे कपड़े धोए, हाथ से ही धोए, उसके बाद थोड़ा सा मशीन में सुखा देती हूँ। तो ये क्रिशु देखो वो भी मेरे साथ साथ काम कर रही है, तो वो भी बाल्टी पकड़ के मेरे साथ जा रही कपड़े डालने, आजकल ऐसी करेगी, अपने कपड़े डालेगी, उठाएगी, हम मोजे तो बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। तो फ्रेंड्स अभी समय हो रहा है 12:15, 12 बजने वाला है, और सुबह का जो भी काम होता है वो सब मेरा हो गया है। दोनों बच्चे को भी नहला ली, दोनों को नाश्ता करा ली, मेरा भी नहाना हो गया है, जस्ट कपड़े धोई तो वही कपड़े डाल के आ रही हूँ बाहर से, और अब बस खाना वाना बनाना है। तो आज का ब्लॉग अगर मैं और ज़्यादा लंबा कर दी तो आप लोग कोई देखोगे नहीं, इसीलिए मैं आज का ब्लॉग अभी यहीं करूँगी समाप्त। हम मिलूंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय कर लो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। इसकी जूती ऐसी है ना, बार बार कहेगी पहनाओ फिर कहेगी खोलो, देखो।